मैं हूं यश, आप देख रहे दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की बड़ी खबर पर। गुजरात के समदियाला गांव में हुए दौरे हत्याकांड को लेकर इस वक्त घमासान जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। युवक की हत्या के 30 घंटे बीत जाने के बावजूद भी परिजनों ने शव नहीं लिया है। सुरेंद्रनगर के गांधी अस्पताल में पूरे दिन पुलिस की कड़ी मौजूदगी देखी गई। सुरेंद्रनगर बस स्टैंड रोड पर दिन में 3 बार चक्का जाम लगा। इस घटना के 30 घंटे बाद भी गांधी अस्पताल में समाज के लोग और नेता बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। इसे लेकर परिवार के साथ साथ समाज में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल जानकारी के सामने आई है कि स्थिति अभी भी गंभीर है। चुड़ा तालुका के समदलिया गांव में दोहरे हत्याकांड के मामले में जांच की गई है। सुरेंद्रनगर बस स्टैंड रोड पर युवक युवतियां और जातीय समाज के नेता आपस में भिड़ गए हैं। वे सड़क पर बैठे गए और दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार की मांग करने लगे। चक्का जाम के कारण सड़क पर जाम के दृश्य उत्पन्न हो गए। पुलिस ने चक्का जाम कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया है। सुरेंद्रनगर तालुका के समदियाला गांव में एक समूह की झड़प में घायलों में से 2 अधेड़ उम्र के लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। ऐसे में गुटीय झड़प की यह घटना हत्या में तब्दील हो गई। जमीन पर खेती के मुद्दे पर 2 अलग-अलग जाति समूह आपस में भिड़ गए। यह हमला तलवारों और चाकू समेत हथियारों से आमने सामने किया गया। इस घटना में 2 अधेड़ लोगों की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। 2 हत्याओं की घटना को लेकर अनुसूचित समाज के नेता मेडिकल कॉलेज में इकट्ठा हुए। तनावपूर्ण माहौल के बीच DYSP लोकल क्राइम ब्रांच समेत काफिला मौके पर पहुंचा। इस समूह झड़प में एक महिला समेत 4 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य भारत, सुरेंद्रनगर। तो खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज। नमस्कार।